بمحمد وآل محمد صلوات. تمام عامرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارے دیگر ہدیہ صلوات. صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے. اونچی متاع دامے دامن اسلام جب کبھی، اسلام کہہ ہوگا میرا سب کچھ حسین ہے. اب آپ کے سامنے بین الاقوامی شہرت یافتہ وکیل ولایت علی جناب حافظ مرتضی مہدی صاحب مجلس اعضاء سے خطاب فرمانے کے لیے تشریف فرما ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب. وسلام علیہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للعباد ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. صلوات بواز بلند. دعا کو ہم خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور ہو، مقبول فرمائے. ایسا کہا ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا، مطلب پہلے محمد والے محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور ہو، مقبول فرمائے. اور خصوصی طور پہ بھائی سجاد بڑو، ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، مالک نظر بس سے محفوظ رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں باب الحوائج، انہیں پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات. اجازت لے کے ایک جملہ کہہ کے جناب امیر صاحب اعتماد کا فرمان میرے پیش نظر ہے، تو پڑھ کے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں. یہی سے پتا چل جائے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے اور آپ نے آج کیا سننا ہے. امیر صاحب اعتماد کا جب تفے مالو لاؤ یتیم کو شرفا الا بے فیلاو یت علی ابن ابی طالب. امیر صاحب اعتماد کا جب تفے مالو بندہ شریف ہی کم ہوتا ہے جب وہ ہو 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 ہو
आज तू फिर रोजा अली की मिला को छोड़ देता है। आदम
आपकी जिंदगी हो। किसी अजीज अकारब को देखते हैं, उसके बच्चे को देखते हैं, क्या कहते हैं? बड़े अरसे बाद देखा, तू बाप जैसा है, तू मामू जैसा है, तू चचा जैसा है। अली उसे कह रहे हैं जो जिस्म नहीं रखता। इबादत हो गई, गर्मी बेशक बहुत ज्यादा है, हबस बहुत ज्यादा है, नाक से ज्यादा जोर लगा के पढ़ रहा हूं। जुमला और कलम है, तू बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। आप में से कोई बताओ ना, सच्चा दुबड़ों को के जो तूने मौलवी बुलाया था ना, जैसा मैंने सोचा था ना, वैसे ही है। आए हाय, यानी सोच ने एक मुजस्मा बना रखा है, ये मौलवी ऐसा होगा। अली कह दिया, तू बिल्कुल वैसा है जैसा कि जिन लफ्जों को कह के वो ईमान लाए ना, अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी। किसी नबी की बात नहीं कर रहा, साहिबान ईमान का ईमान लाना अल्लाह को इतना पसंद आया, आयत बना दी सूरह आल इमरान। रब्बना इन्नना समेना मुनाओ ते यंजुनाओ दी दिल ईमान। कहते पालने वाले, ए हमारे रब, हमने सुना एक निदा देने वाला ईमान की निदा दे रहा था। सखर वालों, मैंने आयत नहीं पढ़ी, आयत कुरान है। रबना है हमारे रब, इन्ना हमने सुना, समेना सुना क्या, मुनाओ दे यन जुनाओ दी दिल ईमान, के एक मुनादी निदा देने वाला ईमान की निदा दे रहा था। मुनादी था जो ईमान की निदा दे रहा था। अब सत्थर में भी बताना पड़ेगा कि ईमान क्या है। Yeah.
रबना हमने सुन लिया, उसने निदा दी, फामन्ना, हम उसकी निदा पे ईमान ले आए। मुनादी कौन है बाद में बताऊंगा, निदा क्या थी बाद में बताऊंगा। वो कहते हैं रबना हमने सुना, वो निदा दे रहा था, फामन्ना, हम उसकी निदा पे ईमान ले आए। रबना भाग फिर लना सनू बना शिया बन के सुनना, क्योंकि हम उसकी निदा पे ईमान ले आए, अब हमें बख्श दे हमारी अपनी वजह से। आयतों पे बोलना मुश्किल है। रबना भाग फिर लना सनू बना, हमें बख्श दे हमारी वजह से, हमें हमारी वजह से बख्श दे। भाई ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारी वजह से क्यों बख्श दूं? कहते हैं कि हम मुनादी के कहने पर ईमान पर ईमान ले आए हैं। नहीं, आपको मैं समझाऊंगा फिर आगे जाऊंगा। मुनादी कौन है, निदा देने वाला कौन है? कुरान मौलवी से नहीं, मौला से पूछना चाहिए। जो मौला से पूछने वाले मेरे सामने सारे वही बैठे हैं जो मौला की मांग पे है। मेरे मौला से पूछा गया, कुरान जो कहता है मुनादी निदा दे रहा है, ये मुनादी कौन है, निदा क्या थी? मेरे इमाम कहते हैं मुनादी मुस्तफा है, निदा थी। अल्लाह नमाजियों को भी
अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। उसकी मिसाल पता कैसी है, मैं कहूं सैयद हो, सैयद हो जाओ। आप कहेंगे मौलवी साहब आपका दिमाग खराब हो गया, हम पहले ही सैयद हैं, हम सैयद कैसे हो जाएं, हम तो पहले ही हैं। अल्लाह कह रहा है ईमान वालो ईमान ले आओ। मेरे मौला से पूछा गया जाफर जो फिर कह दे मेरे पांचवे इमाम से, अल्लाह की ने कह रहा ईमान वालो ईमान ले आओ, ईमान भी कह रहा है, ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कह रहा ईमान ले आओ। मेरे पांचवे इमाम कह रहा जाफर जो फिर कैसे बनते तक भी अली की विलायत पहुंची, उसने शक किया वो बेदीन हो गया, वो दोबारा ईमान लाए। वो बंदा बार वालो रिवायत नहीं आयत है, ईमान वालों से कह रहा है, हाय हाय, यहां कह रहा ईमान वालो ईमान ले आओ, दूसरी तरफ कहता है फवैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, एक तरफ नमाजी कह रहा है, दूसरी तरफ लानत करके कह रहा है नमाजी है मगर सलात से गाफिल है। मैंने जो पहले पढ़ी वो भी आयत, जो अब पढ़ रहा हूं वो भी आयत, ईमान वालों ईमान ले आओ, अल्लाह का लानत है नमाजियों। मुझे यकीन था कि आप तार देंगे, अल्लाह नमाजी कह रहा है, पहले नमाजी कह रहा है, फिर क्या कर रहा है जनाब, वजह लानत क्या है, लानत की वजह क्या है, हुम अन सलातिहिम साऊन, नमाजी है मगर सलात से गाफिल है। मालूम हो गया नमाज और है सलात और है, तो फिर सलात क्या है, मेरे मौला से पूछा गया सलात क्या है, कैन सलात हुवा बिलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह का लानत है ऐसे नमाजियों पे जो नमाज पढ़ते हैं अली की विलायत को छुपा देते हैं। अच्छा अब आपके आपकी तवज्जो हो गई ना, बना इन्ना सुमेना मुनादी सुनादी ने ईमान के हमने सुना एक मुनादी गिदा दे रहा था ईमान की, अनामल में रब्बे को फामन्ना हम ईमान ले आए, फिर लाना जरूर बनाओ, हाय हाय अब हमारे गुनाहों को बख्श दे हमारी वजह से। मेरे इमाम इसकी तफसीर में फरमाते हैं जो बंदा इकरार विलायत अली कर लेता है वो फकत अपने नहीं 1000 और मोमिनों की भी बख्शिश करवाएगा। खाली अपनी नहीं 1000 बंदों की और करवाएगा। आगे कुरान क्या कहता है फिर अन्ना सही आते ना, खाली खाली हमारे गुनाहों को बख्श ना दे, काफिर अन्ना सही आते ना हमारे गुनाहों को मिटा दे। कुरान है सूरह आल इमरान है, काफिर अन्ना सही आते ना कि हमारे गुनाहों को मिटा दे, कोई प्रूफ ही ना रहे कोई सबूत ही ना रहे। आगे कहता वतफाना माल अपरार, और हमें वफात देना अपरार लोगों के साथ। थोड़ा समय यार बुलंद करो, मैं जुमला करने लगा। आयत पे बोलना किसी किसी का काम है, हर बंदा आयत पे नहीं बोलता, का हमारे गुनाहों को मिटा दे खत्म कर दे, तवफना माल अपरार, हमें वफात देना अपरार बंदों के साथ। मरता हर कोई है वफात कोई कोई पाता है, मरता मरता हर कोई है ताजी वफात कोई कोई पाता है। कुरान कह रहा है हम जिस बंदे ने इकरार विलायत अली किया दिल से जबान से नहीं, जबान से करने वाले आमनू वाले हैं जिन्हें अल्लाह फिर कह रहा आमनू फिर ईमान ले आओ।
वफात पाएगा और किसके साथ वफात पाएगा? अपरार लोगों के साथ, यानी अपरार ऐसे हैं जो आले मोहम्मद की विलायत पे इतने पक्के हैं कि वो मरेंगे नहीं। मेरे मौला से पूछा गया, कुरान का दावा तमाम फना माल अपरार, हमें वफात लेना अपरार लोगों के साथ, ये अपरार कौन है? मेरे इमाम कहते हैं अपरार में पहला अबू ज़र है, फिर बिगदाद है, फिर कंबर है। मेरे इमाम फरमाते जो बंदा इकरारे विलायत अली कर ले वो वफात पा के उनके साथ उठेगा, जो अबू ज़र है, जो कंबर है, जो मिकदाद है, ये मरेंगे। अबरार मरते तो नहीं, तो जब अबरार मरते नहीं तो जो बंदा इकरारे विलायत अली कर ले वो मर सकता है? नहीं मर सकता। उसका सबूत दूं? हमें गाली कहने से मौत ने कहा जिंदगी से मैं तुझे मारूं, जिंदगी ने कहा मौत से तू मुझे क्या मारेगी, इमामों ने कहा मौत से हमारे दिल में है मौला अली की बिना तू भला हमें क्या मारेगी। हर नारी गर्मी बेशक बहुत ज्यादा है, मैं एक फरमान पढ़ने लगा हूँ, मेरी मजलिस में कोई बंदा उठ के शादी कोई रुबाई शेर पढ़े ना, मैं उसका जवाब उसे जरूर देता हूँ। तो कहता है जिंदगी मौत क्या हमें मारेगी, और तुम्हें बताऊं अली वाला मरता क्यों नहीं है? मेरे मौला का फरमान है नहीं,
निदा ऊंची भी जाती है। लो जी बस आसानों की बात आगे बढ़ाएं, इंशाल्लाह आप दुआ देंगे। सरकार मुस्तफा मुनादी बने, मुनादी बन के निदा दे रहे हैं, अली वल वली अल्लाह की कहां दी यार। दो दिन बाद गदीर है तो मैं कुरान वाली गदीर सुना रहा हूं। सरकार मुस्तफा ने जनाब अली का हाथ पकड़ा कुरान की आयत की तस्दीक के लिए, मैं निदा देने लगा हूं। जिब्राइल सामने आया, कहा जिब्राइल काम कर। सरकार मुस्तफा एक दो कबीलों के लिए, शहरों के लिए नबी नहीं, आलमीन के लिए। अली की विलायत का ऐलान मक्के मदीने वालों के लिए नहीं था, अली की विलायत का ऐलान 18,000 आलमीन के लिए था। इधर अली का हाथ पकड़ा ना, मुस्तफा कह रहे हैं जिब्राइल नशेब को फराज कर, पहाड़ों को नीचा कर, जमीनी मखलूकात को ऊपर कर, 18,000 आलमीन मुझे देखे। जागना, इससे पहले सारे जितने मेरे साहिबान बैठे हो, इससे पहले इस आयत का शान नजूर सुना हो, इससे पहले आज के दिन से पहले आयत आपने सुनी है, शान नजूर सुना तो आप खड़े हो गए। कोई भी बंदा मुझे कह सकता है मैंने सुना है, मैं कहूंगा मैं इंशाल्लाह इससे आगे मेहनत करके आऊंगा। सरकार मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ा, जिब्राइल ने 18,000 आलमी मुस्तफा के सामने ऐसे रखा जैसे बंदे के सामने हथेली होती है। आपकी जिंदगी जो जुमले पे बोल पड़ा है, यूं सामने जनाब मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ के जुमला कहा, 18,000 आलमी बताओ तुम्हारे नफ्सों का तुमसे ज्यादा हकदार कौन है। बोलो हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा हक किसका है, मुस्तफा का। मुस्तफा कहते तुम पे तुमसे ज्यादा हक मेरा है। 18,000 आलमीन ने कहा भला बेशक है। फिर अली का हाथ पकड़ के कहा मानो करो बोल रहे है मैं अपने बली, हम दोनों अब तुम्हारी शहादत से भी करी। नहीं समझ आई, हाय हाय हाय, आज हम दोनों अल्लाह नहीं, शाजी गौर नहीं फरमा रहे, अल्लाह नहीं, आयत पढ़ लो, नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरी, यही समझाना है और बात खत्म। दीन मुकम्मल है जी, 3 दिन बाद 18 दिलहज है ना, 2 दिन बाद दीन मुकम्मल है, पक्की बात है। फिर सोच लो सक्कर में खैरपुर वालों, लुकमान वालों, कडियारों वालों, आए हैं सारे मेरे सामने चेहरे बैठे, दीन मुकम्मल है शाह जी। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ किसका दीन था, तीन आवाजें आई है मोहम्मद का, अल्लाह का, मोमनों का, लोगों का, यही आवाजें है ना। मुर्तजा महदी ने हाफिज तसद्दुक हुसैन कह रहा रिकॉर्ड कर लो, वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ वो अल्लाह का दीन नहीं था। अच्छा जो इस जुमले पे भी ना बोल रहे ना वो शिया कैसा फिर, आप तो जो फरमा रहे कि जो गदीर पे मुकम्मल
दस पंद्रह कैमरे लगे हुए यार, छोटे बड़े सारे, हर बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो जो खदीर पे मुकम्मल हुआ वो अल्लाह का दीन नहीं था, किसका था? अल यौमा सारों का दीना लकुम दीना कुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जन्नत में जाएंगे, अगर जन्नत में जाना था तो फिर मुस्तफा में क्यों कह रहे हैं आज अली की विलायत से मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया? या तुम्हारा दीन या मुस्तफा का दीन लकुम, अगर अल्लाह खिताब मुस्तफा से कर रहा है तो मुस्तफा का दीन। मुझे सिंधी आती नहीं, वरना मैं सिंधी में पढ़ता हूं। अली की विलायत से मुस्तफा का दीन या तुम्हारा दीन? मुस्तफा ना पढ़े दीन मुकम्मल नहीं होता, सहाबी ना पढ़े दीन मुकम्मल नहीं होता। दर्द बड़े करो, अल्लाह का दीन का हुक्म जिंदगी हो। कुरान की आज मैं पढ़ने लगा, जो बंदा इस आयत में ना बोला मैं समझूंगा वो शिया ही नहीं, मेहमान है सजाद बड़ो साहब का। क्या मासूमी अवाम के पास आके, सादात के पास आके कह रहा है कि हम आपकी बारगाह में आए, आपने हमारी बारगाह में आना। पढ़ो कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर, ये असर कौन है? नहीं मैं दो बातें मैंने करनी है, मैं फिर आगे ले जाऊंगा। असर की कसम खाई, मेरे मौला से पूछा क्या ये असर कौन है, क्या वक्त है असर का? क्या कितने जाहिल है जो असर समझते हैं? वल असर, अल्लाह कसम खा रहा है जब कायम जहूर करेंगे, ओए होए होए होए, जब कायम जहूर करेंगे होगा क्या? इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वअरैतन नास यदखुलूना फी, अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, आयत है। जो खड़े हुए हो ना, अच्छी लगे मेरे साथ बोलना जरूर है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, कि जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। या गौर नहीं फरमा, गौर नहीं फरमा रहे शिया बनो जो रैयत इमाम ज़माना बैठा वो मेरे साथ बोले, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। अरे इतना सा यदखुलूना फी दीनिल्लाह, फिर तुम लोग देखोगे लोग फौज दर फौज किसके दीन में आते हैं? अल्लाह के दीन में। ये नसरुल्लाह कौन है? बोलो ना सारे मेरे साथ, फिर तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो, तुम्हें बता के जाऊंगा तुम कौन हो, आज की मजलिस में बता के जाऊंगा तुम कौन हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुरान मौलवी से ना पूछा करो, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुरान मौला से पूछना चाहिए। जब मेरे मौला से पूछा गया, मैं जुमला कहने लगा, इसकी कीमत दो तो फिर आगे इससे बड़ा जुमला कहूंगा। मेरे मौला से पूछा गया, वो अल्लाह का दीन होगा।
نکلو میری طرف توجہ کرو، اللہ کا دین تب مکمل ہوگا جب علی اور قائم، کیا بظاہر علی اور قائم ہیں؟ نہیں، اللہ کا دین تب مکمل ہوگا. میں نے روایت نہیں پڑھی، جب علی اور قائم اکٹھے ہو جائیں گے. میرے مولا سے پوچھا گیا کب ہوں گے، شیعہ ہو تو پھر جملے پہ ماشاءاللہ کہہ کے اسے لکھنے کا موقع دے دینا، کب اکٹھے ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں یہ کب کہنا حرام ہے. یار کاش رہیے امام زمانہ بیٹھی ہوتی میرے سامنے. یہ کب نہیں، ہائے 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 کب نہیں، وہ جب وہ چاہے گا. مولا یہ تو بتا دو نصر اللہ ہے کون، فتح اللہ ہے کون؟ کا نصر اللہ میرا دادا علی، فتح اللہ میرا بیٹا قائم. اکٹھے کہاں ہوں گے؟ کہاں نجف میں. بس یہ دو باتیں اور میں بات کو سمجھنے لگا ہوں. دونوں اکٹھے کہاں ہوں گے؟ نجف میں. کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جب میرا بیٹا قائم اپنا لشکر لے کے نکلے گا، قیام کرے گا نا میرا بیٹا قائم. وہ یہ پاس بدلو، اس کے بعد اتنی بدنی بات کرنے لگا ہوں کہ میری ساری مجلس ایک طرف ہے. میرا یہ جملہ پورے دن کی مجلس میں انشاءاللہ حاوی رہے گا. اگر آپ سمجھ گئے کہ جب میرا بیٹا قائم نکلے گا نا، جتنی دنیا میں تاغوتی طاقتیں ہیں ہم میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گی. تاغوت کون ہے؟ کون ہے؟ آئیو میری قسمت، تاغوت کون ہے؟ ایک مولوی آپ نے دیکھا لاہور کا جو اپنے مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کے ٹھونکتا رہتا ہے علی کی ولایت پہ، عزاداری پہ، کما زنی پہ، کہتا ہے نا ٹھونکتا ہے نا، پتا ہے نا کون مولوی ہے. وہ کہتا ہے یہ جو عزاداری، کما زنی اور علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں یہ تاغوت کے جنگ ہے، ہمیں تاغوت کا جنگ کہتا ہے. ہمیں مقصر کہہ دیا آج کے بعد کوئی مقصر نظر آئے نا اسے مقصر نہ کہنا. میرے پاس دلیل ہے، جو کل کے مقصر تھے آج کے مولائی ہیں. مقصر کسی وقت بھی اپنا عقیدہ بدل کے آ سکتا ہے، تاغوت کا عقیدہ بدل ہی نہیں سکتا. تاغوت ہوگا ہی کوئی جو علی کے بیٹے سے جنگ کرنے آ جائے. ختم کرنے لگا ہوں، مجھے دادا ہے، وقت تھوڑا ہے. نقیب منبر مجبور ہوتا ہے، لیکن قیمتی بات کا جب میرا بیٹا قائم آئے گا، جتنی تاغوتی طاقتیں، میں اپنے بندوں کو تاغوت کہہ رہا ہوں. کیوں؟ میرے پاس حدیث ہے مولا کی، سب سے پہلے اپنے کہیں گے آپ چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جن تک میرا پیغام پہنچا وہ بولے نہیں، پریشانی ہے کوئی؟ روایت ہے نا
ये कुछ अपने भी कहेंगे ना, हमें आपकी जरूरत नहीं। तो वो क्या है? तालूत। नाम ठीक लिया मैंने शाहजी? अब एक नया नाम मशहूर होगा पूरे पाकिस्तान में, तालूत जा रहा है। जा रहा हूं, नूह की ज़ियारत को जा रहा हूं, जो भी पैदा
खत्म। क्या कहेंगे? कायम बेटा तेरा कलम देख रहे हो, ये सरदार बादशाह कलम लगे। सिंध की धरती पे मैं दूसरी दफा ये जुमला कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, सिंध दाद नहीं देगा तो मुझे दुनिया में कोई दाद नहीं दे सकता, क्योंकि शिया को ही है, हर बंदे के घर पे अलम है, अलम लगाते हो ना, इधर जनाबे अली उठे देना, आसमान से निदा आएगी, इदा जा आना सरुल गाओ हे वालो फत, लोगों आज अली और कायम इकट्ठे हो गए। मौला बस कायम और अली आएंगे का नहीं, इंतकाम लेना है हुसैन का। जुमला इतना कीमती करने लगा हूं कि बंदे उठ के भी बोले दाद थोड़ी है, ना बोलो मैं छोड़ के जाने लगा हूं। अब फिर क्या होगा? मेरे इमाम कहते मुफज्जल, मेरे बेटे कायम पे दूसरा हमला होगा, जैसे दूसरा हमला होगा ना इतनी शिद्दत से होगा, लश्कर कायम कदम पीछे करेगा, फरात के अंदर पानियों में घुटनों तक लश्करियों के पांव डूबेंगे, शैतान नारा लगा के कहेगा जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला कर दो, फतह हमारी है, तेरा सिपा सालार आ रहा है। हाय हाय हाय, अली से पूछा गया मौला गरीब किसे कहते हो? बस एक जुमला ताकि मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल हो जाए। मौला गरीब किसे कहते हैं, गुर्बत क्या होती है? गरीब और गुर्बत, अली बादशाह कहते हैं सलमान अबू दुजाना, अगर गरीब और गुर्बत दोनों इकट्ठी एक घर में देखनी हो ना तो फिर उस घर में चले जाना जिन छोटे बच्चों की मां जवानी में मर गई है। उस घर में क्यों जाओ? आप समझ गए ना, बेटे के सर के बाल सफेद भी हो जाएगा, मां मां रहती है, मां को पता होता है ना मेरे बेटे ने कहां सोना है, कैसे सोना है, क्या खाता है, क्या पसंद करता है, का उस घर चले जाना, गरीब गुरबत दोनों समझ आएंगे। अचानक अली ने मातम शुरू किया, अली मातम करते गए, सलमान खड़े हो गए, मौला मैंने गलत सवाल कर दिया, मुझे माफ कर दो। अली कहते सलमान अबू दुजाना तुमने गलत सवाल नहीं किया, तुमने गरीब और गुरबत के माने पूछे, अली को अपने घर की गुरबत याद आ गई। अली को अपने घर की गुर्बत याद आ गई। सलमान का मौला कैसी गुर्बत बर्दाश्त करोगे? मौला कैसी गुर्बत? क्या जिस वक्त मैं सैयदा को दफना के वापस आया ना सलमान, मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, अब हाय जरूर कर देना, सिंध वाले हाय जरूर करेंगे, क्या मैं तहज्जुद पढ़ रहा था ना कि अचानक फिजा ने सदा दी, अली हम गरीब हो गए, अली हमारे घर में गुर्बत आ गई, मैं जल्दी से नमाज सफर करो, अली रो रहे हो, अब्बास भी देखे, हसन भी देखे, का बाबा रोते क्यों हो? हाय कर देना, का मुझे मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा, मुझे मेरा हुसैन नहीं मिल रहा, अब
गलियों में ढूंढना शुरू किया। एक गली में अली कहते हुसैन तू कहा है, हसन कहते हुसैन तू कहा है, अब्बास कहते मौला हुसैन तू कहा है, नहीं मिले ना चौराहे पे इकट्ठे हुए, आखिरी जुमला है दुआ दे देना। इकट्ठे हुए आओ बाबा हुसैन नहीं मिला, अली रोते भी है, हसन का हाथ पकड़ के कहते हसन आ तुझे बताऊं तेरा हुसैन कहा है, बाबा कहा है, उस जगह लेके गए जहाँ अपने हाथों से सैयदा की कब्र बनाई हुई थी, मंदिर देख अली ने भी मातम किया, हसन अब्बास भी मातम करते हैं, मंदिर क्या था, हुसैन माँ की ताबीज कब्र से लिपट कर रो के कह रहा था, माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती, तू जानती है मुझे रातों को प्यास लगती है, अब तेरे पास मुझे पानी कौन पिलाएगा, एक फुलके वाली बीबी की आवाज आई ज़ैनब हाज़िर खत्म होगी मेरी बात, एक हाथ मेरे मौला हुसैन का हसन मौला ने पकड़ा, एक अली, मैं समझाने के लिए कहने लगा, दादा अपने बच्चों को लेके चलेगा, एक एक उंगली से बच्चे को अगर कोई चीज नजर आ जाए ना वो हाथ खींचता है, बाप का माँ का मामू का मुझे ये चाहिए, रुक जा, वो हाथ खींच के कहता ना रुक जा, चले ना लेके हसन और अली, सामने मदीने की गली आई, मैं देखता हूँ शिया कौन बैठा है यहाँ पे, सामने मदीने की गली आई है, अचानक हुसैन ने हसन का हाथ खींचा, बाबे अली का हाथ खींचा, कहा हसन बाबा हम इस गली से नहीं जाएंगे, इस गली से नहीं जाएंगे, अली कहते हैं हुसैन क्यों नहीं जाएंगे, और मातम करते हुसैन कहते हैं Thank you.